मंडला थाना बिछिया में प्रार्थी राजेश कोकड़िया ने वर्ष 2014 में जानकी बाई का शव घर के पीछे धड़ से अलग कर झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद थाना बिछिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था। मामले में आरोपी फूलचंद मरावी और सुरेश उर्फ गोलू मरावी को पहले गिरफ्तार कर लिया था, न्यायालय के आदेश पर जेल में दाखिल कर दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी बनारसी लाल घटना दिनांक से फरार था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन कर आरोपी की तलाश की और रायपुर रवाना किया, जहां मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी भिलाई जिला दुर्ग में है और आरोपी भिलाई में टेलर लेकर उड़ीसा की तरफ जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। 2014 का मामला था, इसमें मृतिका जानकी बाई की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर उसको जंगल में शव को फेंक दिया गया था, जो पुलिस द्वारा 5-7 दिन बाद छत विच्छत अवस्था में बरामद किया गया था। इसमें 3 आरोपी थे, 3 आरोपी में से 2 आरोपी कारीगर मरावी और सुरेश मरावी, इनकी गिरफ्तारी 2015 में घटना बाद हो गई थी। इनके साथ का सहयोगी आरोपी बनारसी लाल वर्मा घटना दिनांक से फरार चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था। 6 वर्ष बाद पुलिस के प्रयास से और मुखबिर की सूचना पर से इसको उड़ीसा रायपुर के आगे उड़ीसा नेशनल हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर से इसको पकड़ के लाया गया।